मकर संक्रांति को लेकर राजधानी पटना में कई जगहों पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव और बीजेपी की ओर से आयोजित भोज पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। हालांकि जदयू की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। बिहार में इस भोज को राजनीतिक पंडित सियासी खिचड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित इस भोज पर हर किसी की नजर बनी हुई थी। आरजेडी की ओर से आयोजित रावड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। लालू प्रसाद यादव की ओर से पहले इस प्रकार का आयोजन किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सब कुछ बंद था। लेकिन इस बार फिर से रावड़ी आवास पर इस भोज का आयोजन किया गया है। इसी में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रावड़ी आवास पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल के बीच खरमास के बाद आयोजित इस दही चूड़ा भोज पर हर किसी की नजर है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात आज करीब 90 दिन के बाद रावड़ी आवास पर हुई। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद अस्वीकार करने के बाद नीतीश कुमार आज पहली बार लालू प्रसाद यादव से मिले। इस ख्याल से मुलाकात को खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की राजनीति में सियासी हलचल अब तेज हो सकती है। इस भोज की तैयारी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पर आयोजित इस भोज में विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, रत्नेश सदा भी पहुंचे थे। लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी वहीं मौजूद थे। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से पैदल ही चलकर सोमवार को लालू रावड़ी के आवास पर पहुंचे थे। नीतीश कुमार के साथ जदयू के सीनियर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, विजय चौधरी समेत कई और दिग्गज नेता भी पहुंचे थे, जिनके स्वागत के लिए रावड़ी आवास पर तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहले से मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।